नमस्कार, डीएलएड के इस कार्यक्रम में मैं श्वेता द्विवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस बिंदु पर बात करेंगे वह है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता और उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वह है सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ, उसके पश्चात प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या आवश्यकता है इसको देखेंगे, उसके पश्चात हम जानेंगे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं और इन उद्देश्यों को हम ज्ञान और समझ के विकास के लिए, अभिवृत्तियों के विकास के और कौशलों के विकास हेतु क्या क्या उद्देश्य हैं पर्यावरण शिक्षा के, हम इनको आज देखेंगे। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो हम जैसा जानते हैं कि पर्यावरण जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है वह है परि और दूसरा जो है आवरण। परि का अर्थ होगा जो कि चारों ओर है और आवरण, जैसा हम जानते हैं, आवरण कवच के रूप में ले सकते हैं या एक घेरे के रूप में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ हुआ हमारे चारों तरफ का आवरण। तो इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के या इस जीव जगत के चारों ओर की वह प्रत्येक वस्तु, वह चाहे दृश्य वस्तु हो चाहे वह अदृश्य वस्तु हो, पर्यावरण के रूप में जानी जाती है। मुख्य रूप से हम पर्यावरण को वायुमंडल के रूप में लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संकुचित अर्थ में हम पर्यावरण में मात्र जैविक जो जगत है उन्हीं को लेते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जैव और अजैव, जो दृष्टिगत है, जो दृश्य है, इसके अलावा जो अदृश्य है, जैसे कि जो मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण है, जो अदृश्य होता है, वह भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। तो इस प्रकार से दृश्य और अदृश्य हम दोनों को पर्यावरण के अंतर्गत लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण जो अध्ययन है, इसकी आवश्यकता और उद्देश्य को देखने से पहले कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम किन विषयों को सम्मिलित करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में, इसके परिवेश में सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रियाओं का यह अध्ययन है। और मात्र यह एक विषय क्षेत्र नहीं है, बल्कि कई जो विषय क्षेत्र हैं, विभिन्न विषय क्षेत्रों का एक समूह है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन विषय लिया गया है वह सामाजिक विषय और विज्ञान विषयों को जोड़कर बनाया गया है। तो इसके अंतर्गत इसमें विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास और भूगोल को सम्मिलित किया जाता है। अब हम जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा क्या है। कि तो पर्यावरण शिक्षा अधिगम की एक प्रक्रिया है जो पर्यावरण और इससे जुड़ी चुनौतियों के संबंध में लोगों की जानकारी और जागरूकता को बढ़ाती है, चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कुशलताओं और प्रवीणता को विकसित करती है तथा सुविज्ञ निर्णय तथा जिम्मेदारीपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए इस ओर प्रवृत्ति, प्रेरणा व प्रतिबद्धता का प्रोत्साहन करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह मात्र जानकारी देने से, पर्यावरण अध्ययन जो विषय है वह मात्र जानकारी देने से ही संबंधित नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है, चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हमें तैयार करती है और साथ ही एक सक्रिय सदस्य के रूप में हम जिम्मेदारीपूर्ण निर्णय कैसे ले सकते हैं इस ओर भी हमें तैयार करती है, हमें इसके लिए भी प्रोत्साहित करती है। जैसा हम जानते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है यह हमारे लिए एक नया विषय है। प्राथमिक स्तर पर पहले इसे अलग अलग सामाजिक विज्ञान के रूप में, सामाजिक विषय के रूप में और विज्ञान के रूप में हम पढ़ते थे, पर अब हम प्राथमिक स्तर पर इन दोनों विषयों को मिला के पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं। यदि हम इसे मूल रूप में देखें तो यह जो विषय है पिछले 10-15 वर्षों से हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ है। अगर हम इसके बुनियाद को देखें तो स्कूलों में दी जाने वाली पर्यावरण शिक्षा का आधार शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, जो कि 1992 में संशोधित हुई थी पुनः, इसमें पर्यावरण का संरक्षण को सभी स्तर की पाठ्यचर्या का एक केंद्र बिंदु माना गया है, जिसके चारों ओर एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे को बुने जाने की बात कही गई थी।
और इस क्रम में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने शिक्षा के सभी चरणों में और समाज के सभी वर्गों पर शैक्षिक प्रक्रिया में इसे एकीकृत कर पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अगर हम इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात करें तो 13 फरवरी और 14 फरवरी को एनसीईआरटी की तरफ से एक सम्मेलन किया गया, जिसमें एनसीईआरटी के जो भी थे ऑफिशियल्स उन्होंने भाग लिया, एनजीओ की ओर से लोग थे, विभिन्न विद्यालयों की ओर से अध्यापक प्रिंसिपल लोग थे, पर्यावरणविद थे, जो उच्च शिक्षा से जुड़े लोग हैं, ये सभी थे। और उन्होंने उस अधिवेशन में, उस सम्मेलन में बात की पर्यावरण शिक्षा को क्लास एक से, कक्षा एक से कक्षा 12 तक के स्तर पर रखने की। और इसी क्रम में जो दूसरा उनका अधिवेशन और दूसरी जो मीटिंग हुई वह पुनः 13 मार्च 2004 को हुई, और इसके पश्चात यह निर्णय लिया गया कि पाठ्यचर्या में पर्यावरण अध्ययन को किस रूप में शामिल किया जाए। यदि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को शिक्षा में शामिल करने की बात अगर करें तो कक्षा एक और दो में इसे भाषा और गणित के साथ समावेशी करके रखा गया है, और कक्षा 3, 4, 5 में इसे स्वतंत्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से कक्षा एक से लेकर कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन को स्थान दिया गया है। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण को जो प्राथमिक शिक्षा में हम जोड़े हैं उसको किस रूप में जोड़ा गया है। तो पहला जो है कि हम पहले पर्यावरण के बारे में शिक्षा दे सकते हैं, जो कि पर्यावरण के बारे में जानकारी देना, जो उनमें ज्ञान का विकास है। दूसरा जो है पर्यावरण के लिए शिक्षा, यानी कि यह मूल्य दृष्टिकोण और सकारात्मक कार्रवाई से संबंधित है। और तीसरा जो है पर्यावरण को संसाधन के रूप में शिक्षा में शामिल करने से, यानी कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा देना, यानी कि हम पर्यावरण को इन तीन रूपों में प्राथमिक शिक्षा में स्थान दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन को, पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिक कक्षाओं में सम्मिलित करने की क्या आवश्यकता है, किसके तहत इसे हमारी शिक्षा में शामिल किया गया, स्पेशली हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत में। तो इसमें है कि विद्यार्थी, परिवार, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, भोजन, जल, यात्रा एवं आवास जैसे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के वास्तविक अनुभवों द्वारा अपने आसपास, और मात्र आसपास ही नहीं बल्कि विस्तृत जो परिवेश है उनके प्रति जागरूक हो सकें। जो दूसरी आवश्यकता है कि विद्यार्थी अपने आसपास के परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा एवं रचनात्मकता का पोषण कर सके। इसके अतिरिक्त जो हम इसको पाठ्यचर्या में शामिल करने का की जो आवश्यकता महसूस की गई कि विद्यार्थी अपने आसपास के परिवेश से अंतःक्रिया करके विभिन्न प्रक्रियाओं, कौशलों जैसे अवलोकन, परिचर्चा, स्पष्टीकरण, प्रयोग और तार्किकता को विकसित कर सकें। अगली आवश्यकता के रूप में विद्यार्थियों के लिए जो किया गया है, जो आवश्यकता महसूस की गई है, वो है उनमें आसपास के परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास हो सके। और अंत में मात्र यही नहीं बल्कि मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों के लिए विद्यार्थियों के अंदर यह भावना का विकास हो कि वह न्याय, समानता एवं आदर से जुड़े मुद्दों को उठा सकें। तो हम अभी बात किए कि किस आवश्यकता के तहत पर्यावरण अध्ययन को हमारे प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं। तो यदि हम देखते हैं तो पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य है वह व्यक्ति को पर्यावरण का ज्ञान देने के साथ ही ऐसी कुशलताओं को उनके अंदर विकसित करना है जिसमें वह पर्यावरण की समस्याओं को समझे और उन्हें समझकर उनको दूर करने में सफल हो सके। तो मात्र उन्हें जानकारी ही न मिले बल्कि वह समाज के सक्रिय सदस्य की भूमिका अदा कर सकें और जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में अपना योगदान दे सकें। तो
तो इसी क्रम में हम बात करते हैं कि पर्यावरण जो अध्ययन है, पर्यावरण जो शिक्षा है, इसका ज्ञानात्मक स्तर पे, अभिवृत्ति या व्यवहार के स्तर पे और कौशल के स्तर पर क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ज्ञान के स्तर पर, ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान और समझ के लिए इसका क्या उद्देश्य है। तो पहला जो है कि पर्यावरण में होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं के विषय में विद्यार्थियों को ज्ञान और विद्यार्थियों की समझ को विकसित किया जा सके। मात्र यह ज्ञान देने से ही संबंधित नहीं है, बल्कि हमें विद्यार्थियों के अंदर उसके लिए समझ को विकसित करना भी है। अगला जो है कि पर्यावरण पर मानव गतिविधियों का क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है और इससे संबंधित ज्ञान और इससे संबंधित समझ को विकसित किया जा सके। हम यहाँ पर यह देखेंगे कि ज्ञानात्मक स्तर पे जो हमारे 6 स्तर होते हैं मुख्य रूप से, हम उसमें ज्ञान के साथ साथ समझ को भी बढ़ाने की, पर्यावरण शिक्षा मात्र ज्ञान से संबंधित नहीं है बल्कि समझ से भी संबंधित है और हमें जब भी बच्चे को देना है उनको नॉलेज देने के साथ, उनके ज्ञान देने के साथ उस क्षेत्र में उनकी समझ को भी बढ़ाना है, उसकी समझ को भी विकसित करना है। तो इसे मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए, सिर्फ रिकॉल ना हो बल्कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। अगला जो है कि पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना विद्यार्थी कर सकें कि अतीत से जो भी हमारा पास्ट है, जो भी अतीत का जो हमारा पर्यावरण है, उससे हमारे वर्तमान पर्यावरण में क्या परिवर्तन आया है या क्या अंतर आया है और किस क्षेत्र में यह हमारे लिए हानिकर है, किस क्षेत्र में यह हमारे लिए लाभकर हुआ है। विद्यार्थियों के अंदर यह जो है समझ है यह विकसित होनी चाहिए। अगला जो है कि पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थी जो हैं हमारे वो जागरूक हों, उनमें पर्यावरण के जो भी संबंधित मुद्दे हैं उनके लिए अवेयरनेस आए। साथ ही ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य में हम लेते हैं कि पर्यावरण के बारे में नीतियों, निर्णयों के निर्माण की समझ जो है विद्यार्थियों के अंदर विकसित हो कि किस प्रकार से किन नीतियों का या किस लिए किन निर्णयों का निर्माण किया गया है, किसके पीछे क्या सोच थी कि जिसके तहत इन नीतियों या इन निर्णयों को लिया गया है। अगला जो हम बात करेंगे कि पर्यावरण की रक्षा और प्रबंधन करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधायी नियंत्रण के बारे में ज्ञान प्राप्त करें और इनके पीछे क्या कारण हैं कि समझ को विकसित कर सकें, यानी कि जो भी लीगल कंट्रोल के लिए जो भी एक्शन लिए गए हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, उसके लिए वो समझें कि यह स्थानीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन विधायी नियंत्रण की आवश्यकता क्या थी, किसके तहत इनका निर्माण किया गया है, इसका बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, समझ भी उनकी होनी चाहिए। अगला जो है कि मानव जीवन और आजीविका का पर्यावरण पर निर्भरता की समझ का विकास हो। हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो जीवन है, हम जो रोजगार के लिए साधन अपनाते हैं, वह कहीं ना कहीं से हमारी पर्यावरण पे डिपेंड करता है, पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसे कि समुद्री तट पे हैं तो वहाँ पे लोग मत्स्य पालन के लिए जाते हैं, मछली मारने के लिए जाते हैं, उस पे मैदानी एरिया में जहाँ कृषि योग्य भूमि है वह कृषि पर निर्भर करते हैं, पहाड़ी एरिया में हम अलग तरह से कृषि करते हैं। तो यह हमारा जीवन जो है, हमारी जो आजीविका का जो साधन है वह हमारे पर्यावरण पर निर्भर करता है और इस क्षेत्र में, इस क्रम में विद्यार्थी की समझ डेवलप हो, समझ जो है विकसित हो कि पर्यावरण किस प्रकार से हमारे जीवन को और हमारी आजीविका को प्रभावित करता है या कर रहा है। अगला जो है कि पर्यावरण मुद्दों पर हो सकने वाले संघर्ष की समझ का विकास हो। आजकल हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों के अंतर्गत, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य कुछ कभी भूमि विवाद होता है, कभी जल विवाद होता है कि जल के लिए, या हम नदियों पर बांध जो बनाते हैं उसके लिए कई बार विवाद जो हैं बढ़ते हैं। तो इन क्रम में बच्चों की समझ विकसित हो कि ये पर्यावरण मुद्दे पर विभिन्न राज्य जो हैं या विभिन्न देश हैं वो क्यों संघर्ष कर रहे हैं। अगला जो है कि पिछले फैसलों और कार्यों के कारण वातावरण किस प्रकार से प्रभावित हुआ है, इसके लिए भी विद्यार्थियों की समझ जो हो वह विकसित हो। और
पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी जो भी कार्रवाई हैं उन कार्रवाइयों का महत्व क्या है, उस महत्व की उनको जानकारी हो और उस महत्व के प्रति उनकी समझ जो है वो विकसित हो। तो ये जो हमने बात की वह थी ज्ञानात्मक स्तर पे, ज्ञान और समझ के स्तर पर क्या उद्देश्य हैं। अगला जो है वह है कि अभिवृत्ति या व्यवहार के या मनोवृत्ति में जो है उसके स्तर पर हमारे पर्यावरण अध्ययन के क्या उद्देश्य हैं। तो जो इसमें पहला है वह है पर्यावरण के प्रति विद्यार्थी के सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका दृष्टिकोण हम किस प्रकार से पर्यावरण के प्रति सकारात्मक बनाएं, यह हमें पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से इसका प्रयास करना है। अगला जो है कि पर्यावरण के संरक्षण में भविष्य में विद्यार्थियों की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, वो किन भूमिकाओं का निर्वहन कर सकते हैं, इसके लिए इसकी अभिवृत्ति का, इसकी मनोवृत्ति का विकास करना है, इसको बढ़ाना है। अगला जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर स्वतंत्र सोच का विकास करना, कि विद्यार्थी की जो सोच है वह स्वतंत्र हो, विद्यार्थी की सोच किसी और के आधार पे, किसी और की सोच के आधार पे डायरेक्ट ना होती हो, बल्कि वह अपनी एक स्वतंत्र सोच रखे। जो भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं उन पे उसकी एक अलग सोच हो, एक स्वतंत्र सोच हो, और हमें विद्यार्थी की सोच को डेवलप करना है पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से। इसके साथ ही जो हमारी चिंता है वह सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि पर्यावरण के अन्य प्राणियों के लिए भी हमारी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपना अस्तित्व रखना है तो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अन्य प्राणियों के अस्तित्व को भी बनाए रखना है। तो इसके लिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य जीवित प्राणियों हेतु भी जो विद्यार्थी हैं उनकी चिंता हो, हमें पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से इसका प्रयास करना है। साथ ही दूसरे व्यक्तियों के लिए भी, दूसरे व्यक्ति के जो विचार हों उन विचारों के लिए भी विद्यार्थी के अंदर सम्मान का भाव हो, कि विद्यार्थी जो है अपने विचारों का ही मात्र सम्मान न करे, बल्कि दूसरे व्यक्तियों के भी जो विचार हैं उनके लिए सम्मान का भाव दर्शाए। साथ ही जब अन्य व्यक्तियों के विचार जो हैं विद्यार्थी के विचार से भिन्न हो, उन विचारों के लिए भी जो हमारा विद्यार्थी है वह सम्मान का भाव जो है वह प्रदर्शित करे, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन मात्र व्यक्ति से, पर्यावरण से ही संबंधित नहीं है, जैसा कि हमने बात किया था कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण भी, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण भी पर्यावरण अध्ययन का हिस्सा है, और मनुष्य जो हैं, अन्य मनुष्य हैं, अन्य प्राणी जो हैं इसी समाज का हिस्सा हैं। और विद्यार्थी के अंदर जब विविधता के लिए, अलग भावों के लिए सम्मान का भाव नहीं होगा तो यहीं से विद्वेष पैदा होता है। तो इसके लिए ही आवश्यक है कि विद्यार्थी जो है अन्य के विचारों को सम्मान दे, और अगर अन्य व्यक्ति के विचार, अन्य विद्यार्थियों के विचार जो हैं उसके विपरीत होते हैं, उससे मिलते जुलते नहीं होते हैं, तब भी वह कहीं ना कहीं से उनके लिए सम्मान का भाव रखे, सम्मान प्रदर्शित करें। और इसके साथ ही तर्कसंगत बातों और साक्ष्यों के लिए सम्मान का भाव, कि यदि किसी की बातें तर्कपूर्ण हैं, किसी ज्ञान के संबंध में कोई साक्ष्य दे रहा है, तो उन साक्ष्य के लिए, उन तर्कसंगत बातों के लिए सम्मान का भाव होना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए और उनको स्वीकार करने के लिए विद्यार्थी को तैयार करने का उद्देश्य कहीं ना कहीं से पर्यावरण अध्ययन का है। अब हम बात करेंगे ज्ञान और समझ साथ ही अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के जो परिवर्तन के जो उद्देश्य हैं उसके पश्चात जो हम बात करेंगे वह है कौशल के विकास हेतु पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। और इसमें हम जो देखेंगे तो इसमें पहला जो है संचार कौशल का विकास करना, यानी कम्युनिकेटिव जो स्किल है विद्यार्थी का उसका हमें विकास करना है। दूसरा जो है विद्यार्थी की अध्ययन कुशलताओं का विकास करना है पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से। तीसरा जो है विद्यार्थी के अंदर समस्या समाधान कौशल जो है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, इस कौशल का विकास करना चाहिए पर्यावरण अध्ययन को। अगला जो है विद्यार्थी के व्यक्तिगत कौशल का विकास करना, विद्यार्थी के न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि संख्यात्मक कौशल का विकास करना भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। और अंत में इन सबके साथ
विद्यार्थी के जो सामाजिक कौशल हैं, सोशल स्किल, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, विद्यार्थी जो है उसे अपना जीवन जो है इस समाज में ही व्यतीत करना है, तो इस क्रम में सामाजिक कौशल और आजकल जो है हम सूचना प्रौद्योगिकी का यह विश्व है, यह वक्त है, तो विद्यार्थी के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी कौशल का विकास करना। तो इस तरह से हमने देखा कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन इस विषय की क्या आवश्यकता है, यह पर्यावरण अध्ययन जो विषय है इसका डेवलप, इसका विकास किस आधार पे, किस सोच के साथ किया गया है, और इसके साथ ही प्राथमिक स्तर पर ज्ञान और समझ के विकास हेतु, अभिवृत्तियों के विकास हेतु और कौशलों के विकास हेतु पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरण अध्ययन के क्या उद्देश्य हैं। तो अगली बार एक और चर्चा में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।